हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप जो कि अपना बिल पेमेंट SBI योनो एप्लीकेशन से है जो कि कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको है जो कि SBI के योनो ऐप से है जो कि बिल पेमेंट करना नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि वो पे करके दिखाऊंगा SBI योनो ऐप से। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ, लाइव करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं करी तो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको आ जाना होगा अपने SBI योनो एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि हमने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जो कि यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपनी ID, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको बिल पेमेंट। तो इस बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे है जो कि आपको क्लिक करना होगा। क्लिक आप जैसे ही करते हैं तो अगर आप भरना चाहते हैं अपने बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर DTH का बिल, तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है पे बिल विद VVPS, इस वाले ऑप्शन पे ही आपको टैप करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपका फ़ोन है जो कि ऑटोमेटिकली एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल का बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, DTH, गैस बिल, सारे बिल है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने बिजली का बिल भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको है जो कि क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपने जिसकी है जो कि सप्लाई ले रखी है। जैसे कि हर जगह जो कि अलग अलग सप्लाई चलती है, हरियाणा में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, दिल्ली में अलग। तो जैसे दिल्ली में है जो कि TPDDL चलता है, जैसे कि टाटा पावर, तो यहाँ पर हम जो कि टाटा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे ही टाटा लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा टाटा पावर दिल्ली, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं टाटा पावर दिल्ली, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको डालना होगा अपना CA नंबर। तो CA नंबर आप वो डालेंगे, आपको मिल जाएगा ये अपने बिजली के बिल पे। तो ये सब आपको ना पता हो तो आप अपने बिजली का बिल उठाएंगे और जो आपका राइट कॉर्नर होता है वहाँ पे सबसे टॉप पे दिखेंगे, तो जो 6600 से नंबर स्टार्ट हो रहा है वही आपका है जो कि CA नंबर होता है। तो हम यहाँ पर है जो कि अपना CA नंबर भर लेते हैं, जिस भी बिल को हम यहाँ पे पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम CA नंबर एंटर कर लेते हैं एक बार, और CA नंबर हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। और यहाँ पर है जो कि आपको दे देनी होगी अपनी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID, इस पर जो कि आपकी रिसिप्ट सेंड करी जाएगी, जो भी अभी आप पेमेंट करने वाले हैं उसकी आपको रिसिप्ट सेंड करी जाएगी। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को आप लिख लेंगे। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल ID को लिख लेते हैं, उसके बाद सिंपली आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए प्रोसीड आप जैसे ही करते हैं यहाँ पर है जो कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका CA नंबर लिखा हुआ है और ये जो कि आपके बिल की डिटेल आ गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए 570 रुपये का है जो कि यहाँ पे बिल जनरेट हो रखा है, इसकी है जो कि हमें पेमेंट करनी होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर है जो कि बिल का डेट भी लिखा हुआ है, बिल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, और इसकी ड्यू डेट भी लिखी हुई है 9 तारीख की है, और आज है जो हमारा 8 तारीख को है जो कि हम बिल भर दे रहे हैं। तो हम बिल भर लेने के सिंपली है जो कि आपको यहाँ पे प्रोसीड का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर है जो कि लोडिंग ले रहा है। अब सिंपली है जो कि आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे पे नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से है जो कि अपनी पेमेंट को है जो कि करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अदर डेबिट कार्ड, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, किस चीज़ से है जो कि आप अपनी पेमेंट को करना चाह रहे हैं। तो इन सभी पे जो कि आपका कोई प्लेटफॉर्म फीस वगैरह कुछ नहीं चार्ज लगेगा, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो उससे कर सकते हो। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ अपने स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से, तो मैं डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर है जो कि जितना भी बिल पे करना है उसकी समरी आ गई है। आप सिंपली जो कि कंफर्म करेंगे, यहाँ पर कंफर्म आप जैसे क्लिक करते हैं आपको जो कि 5 मिनट के अंदर है जो कि अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेना होगा। तो सिंपली आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिए कुछ डिटेल्स आ गए यहाँ पर। अब आपको एंटर करना होगा अपना कार्ड नंबर, अपनी एक्सपायरी डेट और ईयर, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम, CVV नंबर और कैप्चा कोड। तो ये सारी डिटेल्स आपको एकदम सही से यहाँ पर फिलअप कर लेनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर जो कि सारी डिटेल्स अपनी भर ली है, कार्ड डिटेल्स, व्यू और नेम वगैरह सब कुछ भर लिया, कैप्चा कोड भर लिया है। उसके बाद सिंपली है जो कि थोड़ा आप साइड में करेंगे राइट साइड को इसको स्लाइड, और यहाँ पे वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। पे वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो भी आपके बैंक से लिंक होगा। तो हमारा OTP है जो कि यहाँ पर आ चुका है, और हम जो कि यहाँ पर अपना OTP को है जो कि फिलअप कर देते हैं। अब सिंपली है जो कि मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ये देखिए
पेमेंट डन, पेमेंट है जो कि आपकी सक्सेसफुली है जो कि हो चुकी है। यहाँ पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस तरीके से, और आपकी ये जो कि पेमेंट यहाँ पर है जो कि प्रोसीड में हो गई है। और देख सकते हैं हमारे बैंक से भी SMS आ गया है, 570 रुपये है जो कि डेबिट हो गए हैं, जो कि हमारे कार्ड से कटे गए हैं, और अवेलेबल बैलेंस भी यहाँ पर मेंशन है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से है जो कि आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे है जो कि SBI बैंक के जो कि उस पर भी आ गया है, ईमेल पे भी SMS आ गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर रिसिप्ट आपकी आ गई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है वो भी लिखी हुई है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट रिसिप्ट और डाउनलोड रिसिप्ट। तो आप यहाँ पर है जो कि डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पर जो कि क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे जो कि क्लिक करते हो, ये देखिए आपके पास है जो कि एक रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, जो कि सबूत है कि आपने इस बिल को है जो कि पे कर दिया है। तो फ्रेंड्स यही पूरा प्रोसेस रहता है SBI योनो ऐप से जो कि बिल पेमेंट करने का। आप बिजली का बिल बहुत आसानी से भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह है जो कि कुछ नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।